हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने माइक्रोमैक्स IN1B एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की हीटिंग प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना हीट करता है, तो आपको मैं कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी भी आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते ना, ठीक है, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए आपको हमेशा जो है अपने मोबाइल फ़ोन के साथ वाला जो चार्जर होता है ना, जो ओरिजिनल होता है, वो हमेशा आपको वही यूज़ करना है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी भी दूसरे मोबाइल फोन का चार्जर का यूज कर लेते हैं अपने फोन को चार्ज करने के लिए, जिससे हमारा फोन जो है ना हीट करता है, क्योंकि वो जो दूसरे फोन का जो चार्जर होता है हमारे मोबाइल फोन के साथ अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारा फोन हीट करता है और चार्जिंग भी नहीं होती है। तो दोस्तों यहां पर इस बात का ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखनी है कि आप कभी भी अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं ना, तो आपको अपने फोन को चार्जिंग पे लगा के इस्तेमाल अपने फोन को बिल्कुल भी नहीं करना है। काफी सारे लोग जो अपने फोन को चार्जिंग पे लगा के अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से भी आपका मोबाइल फोन जो है वो हीट करता है, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। देखिए अब आपको मैं कुछ और भी प्रोसेस यहाँ पे बता देता हूँ कि आपका मोबाइल फोन अगर हीट करता है तो आपको अपने फोन को ना रीस्टार्ट करना है एक बार, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन होता है, इस पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये वाला ऑप्शन मिलता है। रीस्टार्ट पे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा ना, आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है ना कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए, हमारा मोबाइल फोन हैंग करता है, मोबाइल फोन हीट करता है, नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको ना कुछ और भी बातें बताता हूं। देखिए दोस्तों, आप कभी भी जो है ना अपने मोबाइल फोन को 3 से 5 घंटे 6 घंटे कंटिन्यू अगर यूज करते हैं ना, तो आपका मोबाइल फोन इससे भी हीट करता है, ठीक है। और एक ये भी कमी होती है कि हम जो अपने फोन की जो कैमरा होता है ना, हमारे फोन का कैमरे में अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप जो है ज्यादा लंबी करेंगे तो उससे भी अपना फोन जो है ना हीट करता है। इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है ना, वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम है ना, वो अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है, देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे आपको टैप करना है। यहां पर आपको सर्च बार में सिस्टम अपडेट टाइप करना है, तो आपको नीचे की साइड सिस्टम अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा, इस सेटिंग को टैप करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन, डाउनलोड, इंस्टॉल, कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप कर देना, आपके फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा, तो आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने फोन को ना रीसेट कर देना है। देखिए आपको फोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज आपको अपने फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर सबसे नीचे सिस्टम पे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को है ना रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या फिर उसका बैकअप ले लीजिए, ठीक है ना। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितना भी प्रोसेस आपको बता दिया ना, सारे प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, तो आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपके फोन की हीटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पर दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है ना कि आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आपका फोन हीट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से अगर आपका फोन हीट कर रहा है, तो मेरे बताए हुए तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।